जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर एसएससी के अंतर्गत पे साइंटिफिक जो है असिस्टेंट आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट 2022 का अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे जानेंगे, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसका सिलेबस भी जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन साइंटिफिक असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म सिलेबस एटसेट्रा जो भी चीज़ें। 1 अक्टूबर 2022 को अपडेट कर दिया गया पोस्ट अपडेट, इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एक बार जान लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिलीज्ड द नोटिफिकेशन ऑफ एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम 2022। ऑल द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस आईएमडी एसए 2022 रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 30 सितंबर 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक। रीड द नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी इज लिमिट सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी है इसके अंतर्गत पे सिलेबस पैटर्न पे स्केल एंड ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन इन एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी नोटिफिकेशन आगे जानते हैं वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं बताऊंगा जो भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपके डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन बिगेन है, आप क्या करेंगे, आपका एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो चुका है 30 सितंबर 2022 को, मतलब 30 सितंबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट डेट है इसका 18 अक्टूबर 2022, जैसे कि आपको यहाँ पर डेट मालूम पड़ा होगा। वही है ऑनलाइन पे जो एग्जामिनेशन फीस लास्ट है वही क्या है 20 अक्टूबर 2022 से, और करेक्शन डेट आपका क्या होगा 25 अक्टूबर 2022, और सीबीटी एग्ज़ाम आपका क्या हो जाएगा दिसंबर पर हो जाएगा, और एडमिट कार्ड उससे पहले आप लोग के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखिए आप बिगेन कब से शुरू कर सकते, लास्ट डेट कब होगा और आपका करेक्शन डेट कब होगा और उसके बाद में आपका जो सीबीटी एग्जाम डेट होगा वो कब होगा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। अब बात आती है फॉर्म फीस के लिए, जैसे कि आपको इसके अंतर्गत पे दिख रहा होगा। अगर फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एसटीएससी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं। आप डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग जो भी आपको अच्छा लगता है तो उससे आप क्या कर सकते हैं फीस को पेमेंट कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ तो जान लिया, अब बात आती है एज लिमिट के लिए। देखिए एज लिमिट की अगर बात करें तो आपका एज मिनिमम एज लिमिट का कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं रखा गया और मैक्सिमम एज रखी गई है आपकी 30 ईयर्स, मतलब 30 साल इस। अब देखिए कि कब होना चाहिए 30 साल, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 18/10/2022 को इस डेट को आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए 18 अक्टूबर 2022 को, और मिनिमम का कोई प्रोविज़न नहीं है। और अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि क्या इसके अंतर्गत पर कोई छूट दी जाएगी, तो एज लिमिट का जो भी प्रोविजन है एज लेक्सेशन एक्सटाइज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इंडिया जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जामिनेशन रूल के हिसाब से आपको एज में भी छूट दी जाएगी। अब देखिए तीन चीज़ें हमने जान ली, अब आ जाता है रिक्रूटमेंट। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 990 पोस्टें यहाँ पर टोटल जा रही है। देखिए कितनी पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, 990 पोस्ट हैं किसके लिए, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कितनी पोस्ट हैं 990 पोस्ट हैं। अगर इसी के अंतर्गत पे अब बात करें कि एलिजिबिलिटी योग्यता क्या चीज़ें मांगी गई है आपके फॉर्म भरने के लिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है कौन नहीं है, तो अब इसको ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बात कही गई है बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन, और कहा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और नंबर फर्स्ट की बात करें तो नॉट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड मतलब निर्देशित किया गया है अबव जो है शुड बी इन फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स और 6.75 CGPA ऑन अ 10-point स्केल। देखिए CGPA मतलब जो है 10 में से पॉइंट दिया जाता है तो 6.75 से ऊपर होना चाहिए और उसके अंतर्गत पर जो फर्स्ट क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा नोट्स दूसरे की बात करें डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड एवब मस्ट बी ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन आफ्टर 10th+2 एग्जामिनेशन। ठीक है, नोट सेकंड जान लिया होगा। नोट थर्ड की बात करें तो 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज स्कोर सब्जेक्ट, और क्या कहा गया है यहाँ पर, क्या कही गई है यहाँ पर, मोड
इलिजिबिलिटी डिटेल मस्ट रीड दी नोटिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि इलिजिबिलिटी के लिए हमने बात कर दी, एक बार रिपीट कर देते हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स ऑयज वन ऑफ द सब्जेक्ट कंप्यूटर जो है साइंस आईटी कंप्यूटर्स एप्लीकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और नोट फर्स्ट की बात करें, डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स और 6.75 CGPA ऑन अ 10-point स्केल। ठीक है, 10 पॉइंट 10 में से आपके 6.75 होना चाहिए। नोट सेकंड का आ गया, डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड जो है यहाँ पे अबव मस्ट बी ऑफ थ्री ईयर्स ड्यूरेशन आफ्टर 10th+2 एग्जामिनेशन। नोट थर्ड की बात करें तो 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट। मोर इलिजिबिलिटी डिटेल मस्ट रीड दी नोटिफिकेशन, करें कोई आवश्यकता है नहीं आगे आपको पढ़ने के लिए। देखिए, अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत पर इसके सिलेबस का, आखिर सिलेबस क्या है। देखिए, यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड हो चुका है। जैसे कि सिलेबस के अंतर्गत की बात करें तो टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के पेज के अंतर्गत पे, डिटेल आप पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ कैसे इसका आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि जो है कम्प्रीहेंसर 200 क्वेश्चन जो भी है यहाँ पर किया जाएगा, 200 मार्क्स के बेस के अंतर्गत पे लिया जाएगा। अगर टोटल की बात करें तो 25-25, ठीक है, 25-25 मार्क्स के बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर होगा। अगर बात करें तो पार्ट सेकेंड और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड के बेस में, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत की बात करें तो कंप्यूटर बेस आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर होना है और 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन टोटल होंगे। अगर बात करें तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पर कंप्यूटर बेस आपका क्या होना है, एग्जामिनेशन होना है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एक फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन बेस के अंतर्गत पे पूछा जाएगा। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो क्या पूछा जाएगा यहां पर, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस का यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20-20 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। ये ठीक हो गया। अब सेकंड बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होना है पार्ट सेकंड का, यहां पर टोटल क्या होगा, फिजिक्स हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। इसके अंतर्गत पर टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट टोटल इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का यहां पर दिया जाएगा, 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करनी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत का होगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंतर्गत पर कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप वॉच करके इसको देख सकते हैं टॉपिक जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पर जो भी है यहाँ पर जनरल फिजिक्स हो गया या जियोग्राफिकल बेस के अंतर्गत पर एटसेक्टा इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल साइंस एटसेक्टा करंट अफेयर जो भी मैथमेटिक्स से संबंधित एटसेक्टा जो भी चीज़ है केमिस्ट्री फिजिक्स हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया। आप क्या कर सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यह है सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, किसके अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे 900 से अधिक पोस्टों के लिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया था, उसका नोटिफिकेशन क्या है और इसके अंतर्गत पर उसका सिलेबस क्या है शॉर्टली रूप से आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।